दस दिनों से यहाँ पे सीवर बह रही है, जब तक हमारा सफाई नहीं होगा तब तक हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। जनता छोड़ेगी तो हम जाएंगे अपने घर, नहीं छोड़ेगी तो भाई रहेंगे बैठे रहेंगे। हम लोग 10 दिनों से यहाँ पे सीवर बह रही है, अशोक पार्षद जी को हम लोग कई बार इतला किए, बेचारे लगे भी हैं, और रोज कहा जाता है कि हाँ आश्वासन मिलना आज हो जाएगा कल हो जाएगा। विधायक महोदय क्या भी गया और ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पे भी किया, जल निगम नगर निगम कहेगा मेरा काम नहीं है, जल निगम बोलता है मेरा काम नहीं है, और गंगा प्रदूषण करता है, मेरे फंड में पैसा नहीं गंगा प्रदूषण का। हम लोग इनको इसलिए बंधक बनाया आज है, जो भी अधिकारी हो हमारे विधायक महोदय यहाँ आवे, जो कि विधायक महोदय को यहाँ से अब सोचना पड़ेगा। हमारे सभासद जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनको बंधक बनाए काम नहीं कर रहे, जो अधिकारी ऊपर के है ना वे सब बेकार है। पिछले 10 दिनों से यहाँ पे सीवर और नाले का पानी बह रहा है, तो यहाँ पे डायरिया भी फैल चुका है काफी। हम लोग गंगा प्रदूषण को बात किया गया है, जल निगम से बात किया गया है, सबसे बात किया गया है। जब गंगा प्रदूषण हो गए तो बोले कि मेरे पास बजट ही नहीं है, अब बताइए साफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और यहाँ पे डायरिया फैल चुका है, ठिवनी भर का पानी इसमें लग रहा है सुबह शाम दोनों टाइम। और यहाँ पे मतलब ये मेन रोड है, खुजवा चुकी मेन रोड है, यहाँ के स्थानीय दुकानदार काफी परेशान है, यहाँ के लोग परेशान है, किसी के कान में जूत तक नहीं देगा गया अभी तक, और सूचना सबको है। हम बोल रहे हैं लोग से कि ठीक हो जाएगा, एक दो दिन और वेट करिए, लेकिन लोग का गुस्सा मतलब आज चरम सीमा पे था। मैं सुबह 9 बजे गुजरा था, ये लोग ने पंद्रह ये हम लोग के संज्ञान में है। माननीय पार्षद लगातार 3-4 महीने से इस विषय को उठा भी रहे हैं, लेकिन लेकिन जो वहाँ पे पाइपलाइन है वो जल निगम और गंगा प्रदूषण का है। उन लोगों को बार बार कहने के बाद वो लोग काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पार्षद गए थे स्थानीय, हमारे पार्षद प्रतिनिधि, तो उन्होंने विषय को उठाया है और हमें लगता है कल के अधिकारी गए हैं और काम चालू हो गया। क्या वजह 10 दिन से लगातार लोग शिकायत करते रहे, आज बंधक बनाया गया? ये जल निगम और गंगा प्रदूषण की कमी है। बार बार हमारे अधिकारियों को भी हम लोग संज्ञान में इस विषय को दिए हैं, फिर भी जल निगम और जलकल वो गंगा प्रदूषण उसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि लोगों में समस्या। कार्रवाई आपकी तरफ की जाएगी इस तरह? हम लोगों ने अपने नगर आयुक्त को भी बोला है, अपने नगर आयुक्त को बोला है, जल निगम हमारे जलकल के GM को भी बोला गया है, तो उन लोग से बातचीत करके जो दोषित विभाग हैं 200 अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। लापरवाही है, ये जल निगम का सरासर लापरवाही है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई विषय हो तो उनको बताना चाहिए, ये विषय भी नहीं बताते हैं, काम भी नहीं करते हैं, ये घोर लापरवाही का विषय है।